जेई आदमी दस जो आप दीप्ति सिंह का नाम ले रहे हैं वो कौन है? कौन वो यहाँ सबसे जेई है, मेन जेई, उसकी तीन बार पोस्टिंग चार बार हो रखी है, वो अपनी रैंक नहीं लेता है और यहाँ ही पोस्टिंग बार बार करवाता है, यहाँ से पैसा मिलता उसको। कौन देता है उसको पैसा? पैसा पैसा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट का पैसा आता है, यात्रा भवन का पैसा आता है। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, डीपी सिंह जो यहाँ का यही है। आपको क्या लगता है ये बीपी सिंह बार बार यहाँ पे पोस्ट क्यों? बार बार पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग कराता है, पैसा खाता है। कौन देता है उसको? इनको पैसा डिपार्टमेंट से जितना पैसा था यात्रा भवन का वो खाता है, इसलिए वहाँ से उसकी पोस्टिंग नहीं होती। पोस्टिंग होती है वो जाता नहीं है, उसको रोक लिया जाता है, ऊपर पैसा चढ़ाता है उनकी। और सब आज 2 बजे से लाइट नहीं है यहाँ, रात के 2 बजे से अभी तक लाइट नहीं हुई है, सभी जगह में लाइट है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया, उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं रोड प्लीज उन्होंने बोला रोड खाली करो, हम नहीं करेंगे रोड खाली, नहीं लाइट नहीं आएगी, हम रोड नहीं खाली करेंगे, लाइट नहीं आएगी। देखो दीदी, लाइट लाइट का क्या है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सुबह से हमारे इन्वर्टर सब फेल हो गए हुए हैं, यहाँ पे कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ से आएंगे? यात्रु भी हमारे साथ ही है ना, हम इनके साथ है तो हमारे साथ कौन है? प्रशासन भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, टीपीसी हमें चेंज करना चाहिए। इस बंदे को 12 साल से ये यहाँ है, रोज इसलिए है, ये लोगों को हरासमेंट करता है, हर बंदे को। मेरे को किया, मेरे को बहुत किया, मेरे से ये बोला, पिछले साल की बात है, मेरे से 35,000 रुपए खाया था ये बंदा, ये मीटर लगाने का, मेरे दुकान पे मीटर लगाने का खाया था, मेरा ये दुकान है सामने, मेरे से खाया था, हाँ मीटर लगाने का खाया था। और 12 साल से क्या यही यहाँ का काम संभाल सकता है? इसकी पोस्टिंग ही जहाँ हो सकती है, ये यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। 3 बार इसकी पोस्टिंग 4 बार हो चुकी है, मगर ये इधर ही आता है, क्योंकि जो यात्रा भवन का हर साल में पैसा आता है इसके अंडर में आता है सारा। जैसे गलियों में कुंडियां भी लगाई हुई है, उस चीज का भी पैसा है, तो कोई कुंडियां नहीं, ये खाते हैं। मैम सुनो, तो फिर कुंडियां कैसे लगाते हैं? हाँ इनको पूछो ना, पूछो ना, कुंडी का सिस्टम कोई नहीं, स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, छोटी बस्ती है, गरीब बस्ती है, स्मार्ट मीटर लगा के हम कहाँ से देंगे स्मार्ट मीटर का बिल? स्मार्ट मीटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम पैसा दे रहे हैं, मीटर का पैसा भर रहे हैं जितना आ रहा है, मगर लाइट तो देनी चाहिए। 2:30 बजे से लाइट गई हुई है और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में पानी नहीं है, कुछ नहीं है। इस टीपी सिंह को दूर से दूर भगाना चाहिए करगल में। ठीक है, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में भी थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, कोई सुविधा नहीं हमारे मोहल्ले में। वोट लेने के टाइम हर बंदा आता है, हर तार हमारी नालियाँ, हमारी बिजली, हमारे आपके यहाँ पे कॉर्पोरेटर भी हैं, उनका उनसे बात की आपने? कॉर्पोरेटर देखने नहीं आते कभी, कॉर्पोरेटर का ही चक्कर लगाने नहीं आते। ये देखो इस लाइन में पूछा किसी ने, लाइट नहीं है सर, एक लाइट भी नहीं है इस जगह में, एक लाइट भी बता दो कहीं लगी हुई है। आपने उनसे ये बात रखी? सार बिल को रखी है, लाइटों के लिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले लगाएंगे, कभी बोलते हैं बिजली वाले लगाएंगे, कौन लगाएंगे, हमें क्या पता कौन लगाएगा? कब से लाइट आपकी गई? 2:30 बजे रात की 2:30 बजे की लाइट गई हुई है, कल रात 2:30 बजे की बंद लाइट है, अभी आएगी, कभी आएगी, 2 घंटे में आएगी, 1 घंटे में आएगी। ये जितने भी जेई फेई है, इतना 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया ले रहे हैं, ये किस चीज का ले रहे हैं, किस चीज का ये पैसा ले रहे हैं, इनकी इतनी इतनी तनख्वाहें हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये भगवती नगर की तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कल रात से ना होने की वजह से ये यात्री निवास के सामने की तस्वीरें हैं, भगवती नगर बेस कैंप के बाहर की, जहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, मगर यहां पर आप देख सकते हैं जनता यहां पर जमा है और साफ तौर पर इनकी मांग यही है कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, कल रात 2:30 बजे से बिजली नहीं है, मौके पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रभारी थाना प्रभारी जो नवाबाद हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, और पीपी कनाल के इंचार्ज और तालाब तिलो पीपी के इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्लीज़ हटाने की कोशिश की
बात करने की कोशिश, समझाने की कोशिश। बाहर से लोग आए हैं, इनसे ऐसा नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई है और पुलिस ने यहाँ पर जो बात की है इनके साथ और इनको समय दिया है कि तीन दिन से पानी नहीं छोड़ा इन्होंने। हमने गाड़ियाँ मंगवाई है पानी की, हमने गाड़ी मंगवाई पानी के लिए, हम कहाँ से पूरा करेंगे गाड़ियाँ मंगवा के, जरूरत तो पानी की सबकी है, पानी नहीं बिजली नहीं फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो थाना प्रभारी मौजूद है और इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको आश्वासन दिया है और अभी ये कुछ ही देर में यहाँ से जो है अभी ये जो रोड ब्लॉक हुआ है वो खाली करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता तुम्हें ये थाना प्रभारी कल रात ढाई बजे की बिजली गई थी? तो पानी मैंने सवेरे बत्ती हो तो पानी हो, बत्ती नहीं है तो पानी कितना आना? ये दिखो ना बेटा, ये भी साढ़े घर ठहर दे जो घर बत्ती नहीं तो जातरू बेचारे कितने जान, छोटे बच्चे कितने जान, छोटे छोटे बच्चे ठीक है नहीं काम करना, बाकी वाला कोई काम नहीं करना, समान मीटर लाओ तो बच्चे बिल्कुल नहीं आए, कहाँ लगे समान मीटर? पहले बोलते थे कि स्मार्ट मीटर लगेगा तो लाएगी लाइट बराबर, अब वो भी लग गए हैं लेकिन लाइट नहीं है, ना लाइट बिल्कुल नहीं है। तो बिजली दा उन प्रीपेड भी होवा दे मीटर्स क्या होगे? सब कुछ हो गया, सब कुछ लाइट नहीं देते, फिर भी नहीं लाइट, लाइट फिर भी नहीं है, अगर स्मार्ट मीटर जो उधर स्मार्ट मीटर लगे बत्ती नहीं आई कट आ रही बत्ती। जी जी जी, उन्होंने सर हमें ये बोला कि आधे घंटे के अंदर लाइट आ जाएगी, अगर आधे घंटे के अंदर हमारी लाइट 24 घंटे हो गए लाइट गई हुई, अगर नहीं आई तो हम सारा मल्ला लेके यहाँ बैठ जाएंगे रोड में, बिल्कुल बैठेंगे सर, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी यात्रा डिस्टर्ब हो रही है, सारे लोग बेचारे कोई कहाँ से आ रखा है, कोई कहाँ से आ रखा है, अंदर इतनी जगह नहीं है, लोग कोई बेचारा बाहर घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, तो लाइट तो होनी चाहिए 24 घंटे में, कौन सा ऐसा फॉल्ट है जो 24 घंटे में ठीक नहीं हो रहा इनसे? जेई हैं इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं इनके पास, वो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपया किस चीज़ की पे ले रहे हैं, क्या काम है उनका, किस चीज़ की पे ले रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ इनके पे किस चीज़ की ले रहे हैं, अगर लाइट नहीं दे सकते ये ठीक नहीं कर सकते ना फिर इनको भगाओ घर में। लाइट नहीं है सर, सर हम पूरा मल्ला इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ, इधर बैठेंगे हम, 24 घंटे हो गए लाइट गए, कौन सा ऐसा फ्यूज है जो उड़ गया है, फ्यूज तो हम बिजली वाले का उड़ाएंगे।